हाय गाइस, स्वागत है हर बार की तरह इस बार भी हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और हर बार की तरह इस बार भी हम बात करने वाले हैं कुछ मूवीज़ और सीरीज़ के बारे में। तो फर्स्ट अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग क्राइम थ्रिलर एक्शन ड्रामा टाइप की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को रिपोर्ट किया था कि बोरेगो आपको हिंदी डब में बहुत ही जल्द प्राइम वीडियो के स्टोर पर देखने को मिल जाएंगे, तो आखिरकार इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि आपको ये मूवी 14 अप्रैल को देखने को मिल जाएगी हिंदी डब में। तो जो भी हो, चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग एंटमैन पार्ट 3 को डिजिटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखना चाहते हैं। तो उन्हें बता दूं, और जैसा कि पता होगा कि इसकी फर्स्ट टाइम डिजिटल प्रीमियर है वो 18 अप्रैल को होने जा रही है, साथ में इसकी ब्लू रे है वो 16 मई को रिलीज होने वाली है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इसकी फर्स्ट टाइम डिजिटल प्रीमियर 18 अप्रैल को वोट सर्विस पर होगी, यानी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हमें 18 अप्रैल को देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि ये प्राइम वीडियो के स्टोर पर रिलीज होगी। तो फिर ये सवाल निकल के आती है कि हमें फिर ये मूवी कब तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। तो गाइस, अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसकी प्रीमियर है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इसकी ब्लूरे रिलीज होने से पहले होगी, यानी इसकी ब्लूरे है वो 16 मई को रिलीज होने जा रही है। इसका मतलब है कि आपको इसकी डिजिटल प्रीमियर है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 मई तक देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस बारे में अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से नहीं आ पाई है और ना ही डिज्नी प्लस के तरफ से। तो फिलहाल के लिए वेट कीजिए, बहुत ही जल्द इसकी डिजिटल प्रीमियर की जो अनाउंसमेंट है डिज्नी प्लस के लिए वो हो जाएगी। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग रेसिडेंट इविल के फैंस हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है। क्योंकि अपडेट निकल के आ रही है कि एक और न्यू रिबूट वर्जन इसकी डेवलपिंग प्रोसेस में है, जिसका टाइटल रखा गया है रेसिडेंट इविल द अम्ब्रेला क्रॉनिकल्स। और फिलहाल अभी इसकी ऑफिशियली कंफर्मेशन आना बाकी है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतने ही, चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग जानना चाहते हैं पीटर पेन एंड वेंडी हमें हिंदी में देखने को मिलेगी या नहीं, क्योंकि ये मूवी है वो रिलीज होने जा रही है 28 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो उन सभी को बता दूं कि मेरे पास इसकी प्रेस रिलीज आ चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से, लेकिन जो मुझे प्रेस रिलीज मिली है उसमें कहीं भी इसकी हिंदी डब का मेंशन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी हिंदी डब वर्जन है वो देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए मेरे पास बस इतना ही अपडेट है। उम्मीद है कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।